सबसे पहले तो मैं कंचन फाउंडेशन को बधाई देना चाहती हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने रखा है समाज सेवा का, क्योंकि सेवा ही सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन जो है पूरे देश में इसी रूप में मनाया जा रहा है कि सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है किसी भी रूप में। और स्वच्छता की तरफ ध्यान दिलवाने के लिए और सभी स्वास्थ्य की सेवा देखिए आप इतनी कर रहे हैं, तो मैं बधाई देना चाहूँगी यशपाल कंचन जी को, उनकी पूरी टीम को, हेमलता क्वात्रा जी जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वैसे भी, और मैं भी खुद भी बहुत जोर शोर से मतलब इस फाउंडेशन को समर्थन देती हूँ। बहुत अच्छे से ये काम करते हैं, भिन्न भिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न गाँवों में पहले भी मेडिकल कैंप लगा चुके हैं, और आज बुढ़ाखेड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर इतना बड़ा सेवा का काम ये कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारे लिए बहुत ही फख्र का दिन है क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इतनी ऊंची सोच उनकी है कि वो जन जन की भावनाओं को समझते हुए कभी मन की बात करते हुए दिखाई देते हैं, कभी राष्ट्र धर्म की बात करते हुए दिखाई देते हैं। इतने बड़े काम उन्होंने किए हैं, इतने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, एक देश में बदलाव देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि आज के समय में लोगों में सकारात्मकता आई है, छोटे छोटे बच्चे भी मतलब सोच रहे हैं, क्योंकि चाहे वो बड़े से बड़ा मुद्दा हो, जैसे अभी चंद्रयान की बात थी तो हर समाज का लोग अपने को जुड़ा महसूस कर रहा था, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इतनी क्लोजली हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं, तो छोटी छोटी बातों की तरफ भी ध्यान देते हैं और बड़ी बड़ी बातों की तरफ भी ध्यान देते हैं। तो ये इतना बड़ा अच्छा नेतृत्व वो हमारे देश का कर रहे हैं। युवा पीढ़ी में एक सकारात्मक सोच आई है, हमारे युवाओं में ये भावना आ गई है कि कम से कम एक जिम्मेदार व्यक्ति, क्योंकि हम उनको एक ऐसे रूप में देखते हैं कि ये आदमी सब संभाल लेगा, एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं उनको। तो मैं चाहती हूँ, मैं भाजपा महिला मोर्चा से कविता शर्मा, ये यहाँ बहनें बैठी हैं, सभी युवा बैठे हैं, सभी बुजुर्ग बैठे हैं, सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसे दिव्य पुरुष को आज जन्मदिवस के अवसर पर उनको आशीर्वाद दें, उनको लंबी आयु की हम कामना करें, ताकि आने वाले समय में भी उनका नेतृत्व हमें मिलता रहे। हम 2024 में भी चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। धन्यवाद।